अगर बिंदु है तो वो अक्षांश रेखा रह नहीं गई। अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या किस संख्या, दो दो घटा दीजिए इसमें, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं नहीं है, ये अक्षांश बिंदु हो जाएंगे। अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं, लेकिन ये दोनों बिंदु हैं, तो मैं इसमें से दो घटा देता हूँ। 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या 189। अब मैं आपको देशांतर समझाने चल रहा हूँ, शायद आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो आपने देखा कि अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी के उत्तर दक्षिण में खींची गई, या पृथ्वी के उत्तर दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे पाकिस्तान का हैदराबाद, पाकिस्तान का हैदराबाद और भारत के उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एक ही अक्षांश पे है, तो ऐसी दिक्कतें होंगी कि पाकिस्तान और इलाहाबाद की लोकेशन तो एक ही होनी चाहिए, समय एक ही बजना चाहिए। तो इस लोकेशन को, इस स्थिति को बताने के लिए एक और रेखाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने वृत्त में कभी, मैथ में आपने कभी किया होगा कि इसका समद्विभाव करना है, एक चाप से आपने काम, आपका काम नहीं बनने वाला, दूसरा चाप आपको खींचना पड़ेगा जिससे वो कटे, तब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो। वैसे ही देशांतर रेखाओं का भी वही काम है, और देशांतर रेखाएं बहुत काम, सही पूछे तो अक्षांश रेखाओं से ज्यादा महत्व तो देशांतर रेखाओं का है। तो मैं बताने चल रहा हूँ, देशांतर ये हुई अक्षांश रेखाएं। आपके पृथ्वी पे दो दो बिंदु हैं जो निश्चित हैं, दो बिंदु हमेशा निश्चित रहेंगे, कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये कभी नहीं बदलने वाले। मैं यहां पे मान लीजिए ये रहा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये रहा, और ये रहा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों पॉइंट निश्चित हैं, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। अब प्रधान यामोत्तर पर, प्रधान यामोत्तर पर के प्रधान यामोत्तर, सॉरी प्रधान यामोत्तर नहीं, और आप विषुवत, विषुवत रेखा जानते हो कि ये निश्चित होगा पृथ्वी के मध्य बिंदु पे होगा, पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यामोत्तर भूमध्य रेखा पर खींची गई कोणीय दूरियां क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। कैसे, आप जैसे यहां पे बैठे हैं यहां पे, और आप मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है आपका, और वृत्त के अंदर बैठ के आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 91, 92, 180, फिर उधर से शुरू करेंगे। देशांतर रेखाएं दो होती हैं, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर, और देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से शुरू होकर 180 तक होती हैं, 180 तक, और 0 डिग्री, 180 अगर मैं नॉर्थ कहूँ, अभी उत्तर पूरब कह देता हूँ, पूरब कह देता हूँ, और 0 डिग्री से 180 साउथ, फिलहाल पश्चिम, फिलहाल ये दोनों रेखाएं सेम होती हैं, ये 180 तक होता है, अक्षांश रेखाएं 90 तक होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर मैं यहां से खींचूं, देखिए आप अर्धवृत्त, एक वृत्त बना हुआ है ये, अगर मैं विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को ऐसे क्षैतिज रूप से छापूं तो ये है। अब मैं यहाँ पे केंद्र है पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से मैं मान लीजिए ये आपका आधार, आधार बनाना बहुत जरूरी होता है, आधार,